जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासेस में, और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि भौतिक विज्ञान के दोस्तों इस वीडियो में लगभग मैं 100+ यानी वही लगभग 120+ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे, SSC, बैंक सभी एग्जाम में से, फिजिक्स का जो टॉपिक बनता है उनसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में से, उनसे लिए गए हुए हैं और सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। और ये रेलवे की जो दोस्तों साइंस की यूनिक टाइम्स की जो बुक है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग बने रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का जो रंग है नीला प्रतीत होता है किसके कारण प्रतीत होता है? तो भैया ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है? भैया ऑप्शन है आपका, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डॉपलर प्रभाव के कारण, सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है भैया? थर्ड नंबर कहता है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी इसकी क्या रहती है? फ्रिक्वेंसी इसकी अपरिवर्तित रहती है। प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है भैया? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्टील की गोली, ठीक है क्वेश्चन है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व तो पारे की अपेक्षा अधिक होता है, गोली तैर नहीं सकती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, पारे का जो घनत्व है स्टील के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? क्यों होती है भैया? जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि स्त्रियों की जो आवाज है उनकी आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है भैया? तो ये दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन। क्या भैया? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से दोस्तों हम लोग क्या नापते हैं? तो भैया प्रकाश वर्ष से हम लोग खगोलीय दूरी को मापते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष से हम लोग किसको मापते हैं? खगोलीय दूरी को मापते हैं। लगभग 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आइए नवा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, कहता है 1 नैनो सेकेंड में, ठीक है 1 नैनो सेकेंड में होते हैं तो कितने सेकेंड होते हैं भैया? तो 10^-9 सेकेंड होते हैं 1 नैनो सेकेंड में आपके। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया दोस्तों? तो ग्रहों की गति का नियम दिया केपलर ने। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक किन दिशाओं की ओर संकेतिक रहता है? तो दोस्तों किसमें संकेतित रहता है? तो उत्तर दक्षिण में रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो जब लिफ्ट क्या हो रही हो भैया? जब लिफ्ट क्या हो रही होगी? जब लिफ्ट आपकी नियत वेग से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे उतरती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है, तो क्या होगा भैया इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऊपर की ओर त्वरित होती है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं, तो रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग दोस्तों आपके कौन कौन से हैं? तो लाल, नीला और हरा। कौन है भैया? लाल, नीला और हरा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है आप ही के स्क्रीन पर, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि क्यों निकल आती है भैया फाउंटेन पेन से स्याही बाहर? क्योंकि क्या होता है भैया? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भैया। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा?
तो दोस्तों यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संवेग इसका दोगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, चार गुनी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भैया। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है थकान के कारण, वेग अधिक करने के कारण, स्थायित्व बढ़ाने के कारण, धार्मिक मान्यताओं के कारण। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थायित्व बनाने के कारण। निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक समान होते हैं, तो किस पे दोस्तों इसके पाठ्यांक समान होते हैं, तो माइनस का 40 डिग्री पे इसके पाठ्यांक समान होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है भैया सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाती है, या फिर सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों, थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, क्या होता है भैया, थोड़ी ऊपर की ओर ये उड़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि कहता है कि कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कार की हेडलाइट में किसका यूज किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा परवलयाकार अवतल का, किसका, परवलयाकार अवतल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, ठीक है, घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा भैया, तो इसका राइट आंसर सीधा हो जाएगा घटता है, क्या हो जाएगा, घटता है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो इंद्रधनुष बनने का दोस्तों कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं, तो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, तो किसके, घनत्व के, क्या डेंसिटी दोस्तों इसके क्या रहती है, डेंसिटी इसकी कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है दोस्तों, तो इसका आयतन घटता है, क्या होता है, आयतन घटता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या है दोस्तों, तो ये इस्पात है, क्या है, इस्पात, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 26 क्वेश्चन कवर किए गए हैं इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगले क्वेश्चन हमारा कि कहता है कि पानी से भरे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, सभी असत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, तो ये क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है भैया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप दोस्तों माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो कितनी भैया न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो ये लगभग दोस्तों 17 मीटर होनी चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 17 मीटर होनी चाहिए। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण दोस्तों उगते और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किस धातु का बना होता है, तो ये दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों आपकी किसकी, ऊर्जा की इकाई है। समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का यूज करते हैं, तो फेदोमीटर का यूज करते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने की थी, किसकी, रेडियो एक्टिवता की खोज। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था तो कब मिला था, किसके लिए मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या हेतु, किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या हेतु मिला था। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो उनको काला दिखाई देता है। कहता है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 0.75 मीटर होनी चाहिए। कारों ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में जो कौन सा दर्पण लगा होता है भैया, बताइए, तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा भैया, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया,
तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन। किसने किया था भैया? जेम्स हैरिसन। उसके बाद विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शीले ने। किसने? हेनरी शीले ने। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या भैया? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक है किसका? वैद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है किसका भैया? वैद्युत धारा का। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? कि ये विद्युत परिपथ की क्या करता है? रक्षा करता है। ऑप्शन भी यहाँ पर इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो बढ़ता है भैया। क्या होता है? बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम होता है भैया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक अश्व शक्ति में कितने पावर होते हैं? तो 746 वाट। परास्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वही होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और भी कई सारे प्रश्न हैं अभी दोस्तों, अभी तो लगभग ये वाले करने हैं, 49 से रिलेटेड स्टार्ट करना है, 49 वाले से। तो कहता है भैया 49 देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं भैया? तो इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कण को क्या कहते हैं? उस संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? दोस्तों कभी नहीं सुनाई नहीं देगी। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है इसमें? क्योंकि पलायन वेग होता है जिसके कारण यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है भैया, उसके बाद प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नापते हैं किससे? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो वेंचुरी मीटर से दोस्तों हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? जल के प्रवाह की दर। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उसको स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करनी चाहिए। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर जाकर क्या हो जाएगा भैया? फट जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी नो चेंज होगा। ठीक है, कहता है भाई लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, किसके कारण? तो केशिकात्व के कारण दोस्तों चढ़ता रहता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास, अगला प्रश्न कहता है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या दिख रहा है? अमीटर को किससे मापते हैं? अमीटर दोस्तों वैद्युत धारा होता है आपका, डी नंबर पे यानी वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। तो सीधी बात, कौन सा दिख रहा है लास्ट वाला वन? तो यही हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत होता है भैया? तो ये तूफान का संकेत होता है। किसका? तूफान का, कि तूफान आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? तो क्या होगा भैया? इसका तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। किससे? ध्वनि की चाल से अधिक। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 डिग्री केल्विन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। किस तरंग दैर्ध्य
किस तरंग दैर्ध्य की किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो बताइए किसकी होती है बच्चों वाला क्वेश्चन भाई, लाल रंग की। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, तो कमरे का ताप दोस्तों बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है भैया जल्दी से बताइए, घट जाता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, कहां पे भैया निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो पैकेट पृथ्वी पर आ जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी पर परिक्रमा करेगा, यही राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर क्या होती है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है, क्या होती है बढ़ती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो उसका आवर्तकाल दोस्तों हो जाएगा √2 गुना बढ़ जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, कहाँ पर है भैया, नहीं सॉरी कहाँ पर है दोस्तों, बेंगलोर में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है भैया, तो ये बेंगलुरु में है आपका। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर क्या होती है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि क्या होता है भैया, ऑप्शन है जलीय जंतु बर्फ में जिंदा रह सकते हैं, बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि बर्फ के नीचे का जल है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, इस कारण वो क्या हो जाती है, ठंडे देशों में जलीय जंतु क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या क्या कहते हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, अधिक होती। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं, रेडियो तरंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती, नियत रहती है। कार में रेडिएटर का कार्य क्या रहता है, इंजन को ठंडा करना, कार में रेडिएटर का कार्य रहता है इंजन को ठंडा करना। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है कितना भैया, मनुष्य के क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है भैया, तो ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के किसका चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का, किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो समझ जाइए क्या भैया, अवतल है, क्या है, अवतल है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता भी है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है रडार को कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो रडार की जो कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रडार की जो कार्य प्रणाली है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर आधारित है, जल्दी से बताइए भैया, आप लोग कमेंट करिए, अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए। तो किस पर आधारित है, तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, परमाणु घड़ी किसके करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। विद्युत मोटर निम्न किस सिद्धांत के अनुसार पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं मैं। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए,
जल्दी से कमेंट करिए। तो बढ़ता है, इसका आकार क्या होगा? बढ़ता है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, सभी असत्य हैं। तो भैया न्यूट्रॉन बम होता है आपका। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? तो परमाणु बम में किसका सिद्धांत कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तांबा, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि 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 क्या होता है दोस्तों? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। धारिता मात्रक है, धारिता मात्रक है, कमेंट कमेंट जल्दी, धारिता मात्रक है फैराडे का। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। घरों में जो पंखे वगैरह लगे दोस्तों समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रंटजन ने की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है किरणें कौन कौन सी? अल्फा भी निकलती है दोस्तों, बीटा भी निकलती है, गामा भी, और उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी आपका राइट हो जाएगा, सभी निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो मीटर सेतु की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं? प्रतिरोध। शुष्क सेल में एकत्रित रहती है, शुष्क सेल में एकत्रित रहती है रासायनिक ऊर्जा। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या को खींचकर त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। संस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। संस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं दोस्तों कि प्रत्येक पदार्थ में क्या कहता है भैया? कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो यह सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह भी मैंने बताया था, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कब बनाया गया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कब बनाया गया था? ठीक है, या फिर सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो फर्मी ने बनाया था। किसने बनाया था? फर्मी ने। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कहाँ पर? 4K पर, 4 केल्विन पर। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। किसके? नर्म लोहे के। ठीक है, लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम क्या भी है? लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सबसे पहले सिद्ध किया था किसने? कॉपरनिकस ने। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हेस ने। किसने? विक्टर हेस ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं? निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं? तो ये उपयुक्त दोनों के कारण। किसके? उपयुक्त दोनों के कारण तारे चमकते हैं। कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य के सबसे नजदीक तारा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक तारा है दोस्तों कौन सा? जल्दी बताइए, बीटा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, थ्री सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। जल्दी बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोक्सिमा सेंटोरी। यानी आपके लगभग 119 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर करा दिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के साइंस के, फिजिक्स के वीडियोज में डेली आपको लेके आता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।